अभिषेक जी, छत्तीसगढ़ के अंदर जो बहन जी ने गठबंधन करा है, तो इस पे कांग्रेस को नफा या नुकसान वह हमें बताएं, और बसपा को कितना फायदा वह भी बताएं। देखिए, बाबा साहब अंबेडकर जो है एक बात कहते थे कि जी जातिवाद की जो व्यवस्था है वो जातिवाद में मेरिट है इसलिए नहीं चल रही है। वो क्यों चल रही है? क्योंकि जो जातिवाद के विक्टिम है वो अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाते। वो जो समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारी है वो उस जिम्मेदारी को सही मायने में पूरा नहीं करते, इसीलिए जातिवादी लोग अपनी व्यवस्था को क्या है इस देश में आगे बढ़ा लेते हैं। अगर छत्तीसगढ़ इस लिहाज से देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में 34% जो आबादी है वो शेड्यूल ट्राइब्स की है, 12% आबादी जो है शेड्यूल कास्ट की है, और 50% से ऊपर आबादी जो है ओबीसी की है। ऐसे में 90% से ऊपर जो आबादी है वो SC ST ओबीसी की है। अब सवाल यह है कि जब आबादी इतनी है, लोकतंत्र की व्यवस्था है, तो SC ST OBC के लोग अपने स्वतंत्र दल के माध्यम से छत्तीसगढ़ में शासन क्यों नहीं करते? वो इसीलिए नहीं करते क्योंकि वो जातिवादी व्यवस्था का जो षड्यंत्र है उसका कहीं ना कहीं शिकार हो जाते हैं। इसीलिए माननीय बहन जी ने जो ये छत्तीसगढ़ के सामने जो विकल्प रखा है वो अपने पैरों पे खड़ा होने का, अपने स्वाभिमान के साथ चलने का, ये बहुत सराहनीय कदम है। और अगर छत्तीसगढ़ के लोग अपने स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और अगर आगे बढ़ते हैं तो बहुजन समाज पार्टी इनको जो है सत्ता तक पहुंचाएगी। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जो बहुजन समाज के लोग हैं उनको सत्ता तक पहुंचाएगी। और ये दुर्भाग्य है कि इतनी मेजॉरिटी होते हुए भी लोग जो है चंद लोगों के बहकावे में आके जातिवादी व्यवस्था को क्या है अपने सर पे उठा लेते हैं, चाहे वो कांग्रेस के माध्यम से चाहे बीजेपी के माध्यम से। और अगर छत्तीसगढ़ की जनता जो बहुजन आवाम है अगर वो सही मायने में अपने हितों की पहचान कर ले तो कांग्रेस और बीजेपी जैसे दल कभी भी वहां पे फल फूल ना पाए, कभी भी इनका जो षड्यंत्र है वहां कामयाब ना हो पाए। तो ये जो कहने की बात है कि क्या कांग्रेस को डेंट करेगी, कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगी या बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगी, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बहुजन समाज के हक हकूक के लिहाज से, बहुजन समाज के जो मामले हैं, जो उनकी चाहत है, जो उनकी समस्या है, उसके लिहाज से कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। क्यों? क्योंकि दोनों जातिवादी दल हैं। तो बहुजन समाज पार्टी अगर वहां मजबूत होती है तो केवल कांग्रेस ही नहीं, इन दोनों जातिवादी दलों का वो सफाया करेगी और बहुजन समाज के लोगों को वहां हुक्मरान बनाएगी। और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी मिलके वहां पे जो SC ST OBC के लोग हैं उनको हुक्मरान बनाने का काम करेगी। तो ये जो नुकसान है जो इस गठबंधन के आगे बढ़ने से केवल कांग्रेस का नुकसान नहीं है, वहां पे बीजेपी को भी उतना ही नुकसान उठाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी को वोट देने वाले लोग इसी समाज के लोग हैं। ओबीसी के लोग जब बीजेपी को वोट देते हैं तो बीजेपी सत्ता में आती है, जब कांग्रेस को वोट देते हैं तो कांग्रेस की सत्ता में आती है, जब शेड्यूल ट्राइब्स के लोग जब बीजेपी को वोट देते हैं तो बीजेपी सत्ता में आती है, और जब कांग्रेस को वोट देते हैं तो कांग्रेस की सत्ता बनती है। अगर ये लोग इस गठबंधन को वोट देंगे तो मुझे लगता है कि इन दोनों की सत्ता नहीं बनेगी और वहां पे बहुजन समाज अपने को खुद हुक्मरान के रूप में स्थापित करेगा। जी अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।